नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का QNS न्यूज़ में। और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज फिर एक इनकाउंटर की खबर आई। पुलवामा और कुलगाम में शुरू हुए दो अलग अलग इनकाउंटर्स में चार मिलिटेंट्स मारे गए, और इनकी आइडेंटिटीज़ जो रिवील हुई है वो है किफ़ायत, जो डंगरपोरा पड़गमपोरा अवंतीपोरा का रहने वाला है, अनायत अहमद सोमबुरा पुलवामा का, नासिर अहमद पंडित रेडवीनी कुलगाम, और शाहबाज़ कतरूसू कुलगाम का रहने वाला है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा के पुछल इलाके में रात भर चली मुठभेड़ में दो मिलिटेंट्स मारे गए, और साथ ही कुलगाम के जोडर इलाके में चल रही मुठभेड़ में भी दो मिलिटेंट्स मारे गए। और साथ ही IGP ने यह भी बताया कि इन्हीं में से दो मिलिटेंट्स लश्कर ए तोयबा आउटफिट के थे। फर्दर उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में ओवरऑल 5 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें एक कल का इनकाउंटर केस भी शामिल है, जिसमें डिप्लोमा होल्डर और नॉर्थ कश्मीर का सबसे पुराना मिलिटेंट मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद का मारा जाना भी शामिल है, जो फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी की तरह सामने आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ नौशेरा रजौरी के कलाल इलाके में घुसपैठ की खबरें भी सामने आईं, जो नाकाम कर दी गईं। इस पूरे सिलसिले में वहां से एक AKMS राइफल, चाइनीज टाइप 82 टू हैंड ग्रेनेड्स, पाकिस्तानी P1 MK1 हैंड ग्रेनेड और 4 AK mags बरामद हुई। दोस्तों, आए दिन जिस तरह से ये एनकाउंटर और इन्फिल्ट्रेशन की खबरें सामने आ रही हैं, अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या इनका सिलसिला रुकता है या ऐसे ही इनके आंकड़ों में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसी खबर के साथ आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।